सवे भवंतु सुखिन। श्री कृष्ण उपदेश भाग सात। जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। श्री कृष्ण, इसीलिए कहता हूँ कि जब शरीर नाशवान है तो यह रिश्ते भी नाशवान हैं, क्योंकि यह सब नाते शरीर के हैं। तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनके साथ तुम्हारा नाता समाप्त नहीं हुआ, तो यह भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वह रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो, परंतु तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए तुम्हारा रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे समस्त सगे संबंधी तुम्हारे लिए रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारे लिए बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूँ, ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी से नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन की, जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से उन रोने वालों को थोड़े दिन बाद तू हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की चमक आने लगती है। लगातार